फिर किसी ने पूछा है कि बाबा कहते हैं कंबाइंड फॉर्म में रहो, तो कंबाइंड फॉर्म में का मतलब क्या है? जैसे हम बाबा में मर्ज हैं और बाबा कार्य कर रहा है, या बाबा की शक्ति हमारे द्वारा कार्य कर रही है? कंबाइंड फॉर्म का आप सही रूप बताएं। कंबाइंड का ये है कि बाबा हर समय साथी है मेरा। जैसे कोई भी स्थूल में कोई साथ होता है तो बल होता है ना। जैसे मानो नारी है, नारी रात्रि को अंधेरे में अकेली जाएंगी तो डरेंगी, लेकिन कोई बॉडीगार्ड साथ में होगा तो नहीं डरेंगी, क्योंकि साथी साथ में बहादुर है। इसी रीति से बाबा का साथ, कंबाइंड माना बाबा सदा मेरे साथ है, साथी है, हर कदम में बाबा मेरे साथी है, साथ है। तो उससे क्या होता है, हर कदम में अगर मेरी कोई कमजोरी है तो मैं बाबा की शक्ति, साथी का, जैसे कमजोर कोई होता है तो लाठी का या कोई साथ लेके चलने वाले का हाथ पकड़ के होशियारी से चल पड़ता है ना, ऐसे बाबा हमारे साथी है। तो साथ है इसके कारण सर्वशक्तियां हमारे जैसे साथ है। तो जिस समय मेरी कोई भी कमजोरी होती है तो मैं बाबा सर्वशक्तिवान के शक्ति का साथ लेके आगे बढ़ सकती हूँ, ये फायदा है। बिल्कुल ऐसे अनुभव होता है साथ का, जैसे कोई स्थूल में दो जनी रहती है ना। समझो मेरे को कोई काम मिला, स्थूल, हमको खाना बनाना है, मानो अभी खाना बनाना है, ज्यादा खाना बनाना है। मेरे साथ जो साथी होंगी तो आप भले हेड बनो, लेकिन कोई भी काम होगा तो आप साथी को साथ लेंगे ना। ऐसे ही बाबा सूक्ष्म है, बिंदी रूप में है, लेकिन साथी का मतलब, कंबाइंड का मतलब ये है कि बिल्कुल जैसे साकार में कोई साथी का साथ फौरन याद आता है और लिया जाता है, ऐसे बाबा कहता है। मैं, आप कहेंगे कंबाइंड बाबा है तो मैं मददगार बनूंगा, शक्ति दूंगा, इस रीति से कंबाइंड का अनुभव कर सकते। और बाबा कहता है कि इतना इजी कनेक्शन होना चाहिए बाबा से, कंबाइंड की फीलिंग ये होनी चाहिए, जैसे कोई भी संकल्प मेरा चलता है, मैं समझती हूँ कि मेरे दिल में ये चल रहा है ना, फौरन ही मैं बाहर निकालूंगी, कोई साथी साथ होगा। तो ऐसे नजदीक का संबंध हो, कोई भी बात हो, कोई काम मेरा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ना साथी की याद आएंगी ना, ऐसे बाबा से इजी संबंध हो सकता है। कंबाइंड का अर्थ ही ये है कि समय पर साथ का अनुभव करना, लेना और फिर अपने को शक्ति भरना। तो इस रीति से बाबा का साथ हो सकता है। आत्मस्वरूप
आत्मस्वरूप
पवित्र स्वरूप शांत स्वरूप आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप स्वरूप
स्वरूप शांत स्वरूप आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप पवित्र स्वरूप